प्रदेश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 हीरो स्प्लेंडर प्लस 25 इयर्स स्पेशल एडिशन का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, फाइनली हीरो स्प्लेंडर प्लस ने अपने 25 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं इंडियन मार्केट में। और इन्हीं 25 सालों को यादगार बनाते हुए हीरो ने अपनी स्प्लेंडर प्लस में बहुत सारे अपडेट्स किए हैं। और इस वेरिएंट का जो नाम रखा गया है वो है हीरो स्प्लेंडर प्लस 25 इयर्स स्पेशल एडिशन। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ लिखा भी हुआ है 25 इयर्स स्पेशल एडिशन। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें क्या क्या नए अपडेट्स आपको मिलते हैं। पहला, इसमें आपको हीरो कंपनी का 3D एम्बलम मिलता है टैंक पर। और दोस्तों, ये पहली बाइक है स्प्लेंडर सीरीज की जिसमें आपको हीरो का 3D एम्बलम मिले। ओल्ड मॉडल की जितनी भी बाइक्स हैं उन सभी में आपको स्टिकरिंग फॉर्म में हीरो का ब्रांडिंग मिलता है और मिलता था, लेकिन इस स्पेशल एडिशन में आपको हीरो का 3D एम्बलम मिलता है। दूसरा, इसमें आपको न्यू कलर और न्यू एज ग्राफिक्स मिलता है। दोस्तों, स्पेशल एडिशन होने के कारण इसमें आपको तीन कलर्स का मिक्सचर ग्राफिक्स मिलता है, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन। और कंप्लीट बाइक की बॉडी पर आपको ब्लैक कलर का शाइनी पेंट जॉब मिलता है, जो सनलाइट में आके बाइक को एक स्टाइलिश लुक देता है। और दोस्तों, तीसरा अपडेट जो आप सभी के लिए खास है और एक फायदेमंद अपडेट है आप सभी के लिए, और इस बदलाव को मैं आपके सामने सस्पेंस रख रहा हूं। इस अपडेट को मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों, बाइक का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो ओल्ड मॉडल की तरह सेम ही रखा गया है। इसमें आपको सेम स्क्वायर शेप में कन्वेंशनल हेडलैम्प मिलता है, जिसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है और एक ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिलता है एयर को पास करने के लिए और एक कम्फर्टेबल राइड करने के लिए। दोस्तों, इंडिकेटर्स, इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। और इंडिकेटर्स में एक बात बहुत ही अच्छी है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो इंडिकेटर्स को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, उनमें बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस आएंगे। रियर लुक्स के बारे में बात किया जाए तो पीछे आपको सेम बल्ब टेल लाइट मिलती है, जिसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है। और एक लंबा सा स्टील का इसमें आपको हैंड ग्रेवल मिलेगा, जिसे आप पकड़ के आराम से बैठ सकते हो। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक OHC एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 8.36 PS एट 8000 RPM का पावर और 8.05 न्यूटन मीटर एट 5000 RPM का टॉर्क मिलता है। और इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, और जो नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको मिलते हैं वो आपको 4 मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों ही एनालॉग मीटर में मिलते हैं, जिसमें आपको सारे बेसिक से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, आपका i3S इंडिकेटर, पास इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, आपका साइड स्टैंड इंडिकेटर, ये सारे बेसिक से इंडिकेटर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, न्यूट्रल इंडिकेटर। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो मटेरियल इसमें यूज किया गया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का किया गया है। लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच, आपका पास स्विच, हॉर्न स्विच, जो सारे बेसिक स्विच आपको हर बाइक्स में मिलते हैं वो इसमें दिए गए हैं। बाइक की हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। राइट तरफ के हैंडल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ आपको i3S का ऑन और ऑफ का स्विचेस मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे अपडेट की, जो मैंने आपके सामने सस्पेंस रखा था। तो दोस्तों, यहाँ हैंडल पर आपको एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जिससे आप इसके कैप को ओपन करके अपने USB केबल को कनेक्ट करके अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। इसलिए यहाँ हीरो ने आपको डेली यूजेस रिलेटेड अपडेट दिया है, जिससे अगर आप कहीं टूरिंग पर जा रहे हो और आपके मोबाइल की बैटरी कम है तो आप डायरेक्टली अपने USB को इससे कनेक्ट करके अपने मोबाइल को बेफिक्र होकर चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार अपडेट निकाला है हीरो ने आप सभी के लिए। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है विद 2.75 इंचेस टायर साइज, और इसमें आपको 18 इंचेस का व्हील साइज मिलता है 130 mm के ड्रम ब्रेक्स के साथ में। रेयर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रेयर में आपको स्विंग आर्म विद 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, जिसमें आपको 2.75 इंचेस का टायर साइज मिलता है विद 18 इंचेस व्हील साइज, और दोस्तों इसमें आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और दोस्तों दोनों ही टायर इसमें आपको ट्यूब टायर मिलते हैं।
और दोस्तों यहाँ आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। और ये ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम की तरह ही वर्क करता है। जब भी आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करोगे तो आगे का ब्रेक भी दब जाता है, जिससे जो आपका सेफ्टी लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये इसी प्रकार वर्क करता है। और जब आप बाइक लेने जाएं तो एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेके आप अपने ब्रेकिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं। दोस्तों माइलेज के बारे में बात किया जाए तो अप्रॉक्स आप 60-65 प्लस तक का माइलेज इसमें आप आराम से गेन कर सकते हैं। सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट मिलती है, जिससे जो सीट की कुशनिंग वो काफ़ी अच्छी है। और अगर आप दो या तीन लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो जो राइडर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी राइड करने में। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आप लोग रोजाना ऐसे ही वीडियोज लाते रहते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स रिलेटेड टू हीरो स्प्लेंडर प्लस से तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।